स्वागत है दोस्तों आप लोगों को फिर से आप लोग अपने YouTube चैनल बेसिक टीज के में। तो दोस्तों आप लोगों को फाइनली आज केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम खत्म हो गया है। आप लोगों को कितना सही हुआ जल्दी जल्दी मिला लीजिए, ठीक है। फिजिक्स का आप लोग का यहाँ पे आंसर मिला रहे हैं, तो फिजिक्स क्या बोल रहा है कि पहला नंबर का ऑप्शन, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स द नॉट फंडामेंटल फोर्स ऑफ। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पीडीएफ बना करके आप लोग नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो जाता था, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, लाइट ईयर इज ये यूनिट ऑफ। वहाँ पे आप लोगों का मॉडल सेट में क्या था कि लाइट ईयर कौन यहाँ पे यूनिट नहीं है, पर यहाँ आप लोग को बदल दिया है, ठीक है। आप लोगों का बहुत ही टफ क्वेश्चन था आज का हम देखे हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर का आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डिस्टेंस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, चौथा नंबर मिला लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, चौथा नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म एटॉमिक मास यूनिट वन यूनिफॉर्म इक्वल टू, हाँ इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टिक किया गया है, इस पर आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। मैं जो बताऊंगा वो आप लोग को रियल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे फाइव नंबर क्या बोल रहा है, फाइव नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी आर द नाइदर यूनिट फोर। तो आप लोग पांच का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, पांच का आप लोग को यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, ठीक है। एंजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सिक्स नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, सिक्स का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या चीज़, हाँ सिक्स नंबर क्या बोल रहा है, द एरिया अंडर वेलोसिटी। आप लोग का ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा, इसका राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा इसका राइट आंसर, यहाँ पे ये बंदा गलत कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेवन नंबर, सेवन का क्या सही हो जाएगा आप लोग का उत्तर, सेवन का आप लोग ऑप्शन नंबर ये जो है आप लोग का सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सेवन के बाद यहाँ पे एट में, एट में मिला लीजिए। एट आप लोगों को क्या बोल रहा है कि एट, हाँ ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे जो बताया है, जो बोर्ड आप लोगों को इनिशियली रेट ऑफ द मूविंग ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी ऑफ द एन सेकेंड ऑफ द वी वेलोसिटी ऑफ द इन ऑफ द बॉडी इज ए टेस्ट। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ये मिला लीजिए, ठीक है। ये आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नाइन नंबर मिला लीजिए। नाइन क्या बोल रहा है, ये फुटबॉल ऑफ द, आप लोग यहाँ पे राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है। आप लोग को ये ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग दो तीन बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नाइन का आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आप लोग का जीरो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे टेन नंबर क्या बोल रहा है, टेन नंबर आप लोग का इसका राइट आंसर, इफ ये यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी आर टू वेक्टर। तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये नॉट करेक्ट, यहाँ पे गलत कौन है आप लोग को, दस नंबर, दस नंबर का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग गलत कर दिए हैं, यहाँ पे बी कर दिए हैं, इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेवन नंबर, इलेवन नंबर क्या बोल रहा है, विच द वेक्टर एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द रिलेशन इज, यहाँ पे रिलेशन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पेन मेरा नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बारह नंबर, बारह नंबर बोल रहा है लार्ज फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पोर्टेड ऑफ इक्वल टू चेंज इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर मतलब बारह का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका मोमेंटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा सही सही आप लोग को यहाँ पे टिक करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत यूट्यूबर यहाँ पे गलत कर दिया है, पर आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को पूरा सही है। तो तेरह नंबर क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, तेरह नंबर का, तेरह नंबर ए मिला लीजिए, ठीक है। सोलह सेंटीमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोलह सेंटीमीटर अगर आप लोग किए होंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे चौदह नंबर, चौदह नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, चौदह नंबर का डी नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलत हो गया है, यहाँ पे थ्री कर दिया है बंदे, ठीक है। इसका आप लोग को डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चौदह नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पंद्रह में चल जाइए। पंद्रह में क्या बोल रहा है, हाँ पंद्रह आप लोग को यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, बिल्कुल ये सही किए हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सोलह नंबर, सोलह नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द वर्क डन बाय द यहाँ बॉडी एज इन फ्रैक्शन एलवेज द रिजल्ट इन, ये आप लोग का यहाँ पे मॉडल सेट का क्वेश्चन था, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ये होता है, ठीक है, लॉस द कनेक्टिव एनर्जी, पर आप लोग यहाँ पे गलत कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवेंटीन नंबर, सत्रह नंबर ए बॉडी, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के नहीं बता रहे, इसका राइट आंसर क्या होगा, सत्रह नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एट जूल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अठारह नंबर का राइट आंसर आप लोगों को क्या होता है, अठारह नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका सही उत्तर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे उन्नीस नंबर,
19 नंबर क्या बोल रहा है, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का, जो यहाँ पे डी किए हैं, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे बी कर दिया, ये कर दिया, इसका राइट आंसर नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 20 नंबर की ओर चलते हैं। 20 का सही उत्तर क्या होगा आप लोग का, 20 का इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे गलत कर दिए हैं, ये होगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, ये भी आप लोग यहाँ पे बॉर्डर सेट का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोग का, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ये बंदे सही कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है, एंगुलर ऑफ द मास ऑफ द रोटेशनल मोशन इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे, हाँ 23 नंबर क्या बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ द मून, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। 23 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यहाँ पे बी किया है बिल्कुल सही आपका, ठीक है, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 24 का यहाँ पे बी नंबर देख लीजिए कि एफ इसका जो है फोकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसको क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, आप लोग का रिजल्ट आप लोग निकलता है 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पे जो किए हैं बिल्कुल सही है आप लोग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक बंदा सही कर दिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 28 नंबर देख लीजिए, 28 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, 28 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, इंक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्या होगा आप लोग का, एक पेज का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग ये गलत कर दिए हैं। 30 नंबर का क्या होगा, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, जरूर लो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 31 नंबर, गिवन डिस्प्लेसमेंट लो द एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा, बी अब बिल्कुल यहाँ पे सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 32 नंबर आपने यहाँ ग्राफ दिया हुआ है तो आप लोगों को बताना है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ये गलत कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 33 का क्या सही हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मिला लेना है, कितना सही हो रहा है आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 34 नंबर क्या, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी ये सही किए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 34 का। आप लोगों को कितना गलत हो रहा है आप लोगों को जरूर बताना है, आप लोगों को कैसा एग्जाम किया वो भी बताना है, ठीक है। मेरे तरफ से तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोगों को मॉडल सेट से बहुत कम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और आप लोग मॉडल सेट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के गए थे। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2/1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 38 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर जो सी की है ना बिल्कुल सही है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को 39 का क्या होगा, 39 अगला पेज में है यहाँ पे देख लीजिए, 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये गलत कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स का, तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को यहाँ पे फिजिक्स को जो आप लोग होमवर्क दिए थे वही क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है, 500 पाई मीटर पर सेकेंड आप लोग को बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आप लोग को जब करवाए थे, ठीक है। तो आप लोग को कितना सही हुआ आप लोग को जरूर कमेंट में बताना है, कितना सही हुआ और आप लोग आज कैसा गया एग्जाम वो भी बताना है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री के आंसर के साथ।